हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिंकी रॉय की रेसिपी। स्वागत है आप सबका पिंकी रॉय की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन देसी स्टाइल में, जो कि आज के डेट में बहुत ही फेमस और पॉपुलर रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन ले लिया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे मैरिनेट के लिए, और इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ अदरक लहसुन और इसमें 2-3 बड़ा चम्मच दही। इसको हम मैरिनेट करेंगे अच्छे से चिकन को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर रही हूँ। अच्छी तरह से हम मिला देंगे सब चीज़ों को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। दही से पानी भी निकल आया है, दही में थोड़ा पानी था। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिला दिया सब चीज़ों को। दोस्तों, हम लेग पीस में कट कर लेंगे इस तरह से, जिससे हमारा मसाला इनके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा बटर चिकन और टेस्टी बनेगा। यहाँ पर हमने लहसुन कूटे हुए ले लिए है 2-3, 2 लौंग ले लिए है, 1 चम्मच जीरे ले लिया है, 2 दालचीनी ले ली है, थोड़ा सा अदरक कूटा हुआ, 3 तेज़पत्ते। यहाँ पर हमने 2 टमाटर और 3 बड़े प्याज का पेस्ट बना लिया है ग्राइंडिंग जार में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस चिकन को बॉयल करेंगे। तो कुकर में हम डाल लेंगे चिकन को। दोस्तों, आप चाहें तो तेल में भी पका सकते हैं थोड़ा धीमी फ्लेम में, लेकिन मैं कुकर में बॉईल करूंगी 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, मिला देंगे ऑयल को। इसके बाद हम छोड़ देंगे 2-3 मिनट पकने के लिए। इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है ताकि बटर जले नहीं। तो अब हम इसमें डाल देंगे बटर, मेल्ट करेंगे बटर को। तो बटर हमारा मेल्ट हो गया है पूरी तरह से। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, इसी में हम डाल देंगे दालचीनी, अदरक लहसुन कूटा हुआ, तेज पत्ते भी डाल देंगे। चलाएंगे सब चीज़ों को, चटकने देंगे जीरा को। तो दोस्तों, खड़े मसाले का कलर चेंज हो गया था। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट, प्याज और टमाटर का। दोस्तों, हम प्याज और टमाटर के पेस्ट को भी भूनेंगे अच्छे से, पकाएंगे इसको 4-5 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर हम जब तक प्याज भून रहे हैं, तो इसमें हम मसाले का घोल बना लेते हैं कटोरी में। तो 3 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। मसाले में हम डालेंगे 1/2 गिलास पानी, चम्मच से मिक्स करेंगे सारे मसालों को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मसाले का घोल बनाकर तैयार कर लिया है। प्याज हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। मिलाएंगे मसाला और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, मसाले को हम जब तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरह से पक नहीं जाता, ऑयल नहीं निकल आता। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए 4-5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने ढक दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं 4-5 मिनट हो चुके हैं, मसाला भी हमारा भून चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे बटर। बटर को भी हम मिक्स करेंगे मसाले में अच्छी तरह से।
दोस्तों आप चाहें तो पहले ही बटर डाल सकते हैं सारा, लेकिन हम थोड़ा सा बाद में भी डालेंगे मसाले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर और मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मसाला को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन बॉईल किया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉईल हो चुका है हमारा चिकन, तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। मसाले और चिकन को अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो दोस्तों मसाला और चिकन को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है, तो इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को भी हम मिला देंगे अच्छी तरह से। यहीं पर हम डाल देंगे चिकन मसाला थोड़ा सा, चिकन मसाला को भी हम मिला देंगे अच्छी तरह से। दोस्तों बटर चिकन मैंने देसी स्टाइल में बनाया है, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। वैसे बनता तो ये कई तरह से है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन में ऑयल आने लगे हैं, तो इसको हम ढक के पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं हमें पकाना, हमने बॉईल कर लिया था 2-3 मिनट के लिए पहले, तो इसको हमने ढक दिया है। इसमें हम एक हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हम ढक के इसको पकाएंगे 2-3 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा और ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा और ढका है, तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा बटर चिकन बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है और पक भी चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं बटर चिकन हमारा कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। यहाँ पर हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी हम मिलाएंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों धनिया को मैंने मिला दिया है। दोस्तों चिकन की वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी आई बटन में, तो आप वो वाले वीडियो भी जाके देखें। दोस्तों बटर चिकन बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है, आप भी अपने घर में बना के देखना, आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। दोस्तों आप बटर चिकन को तंदूरी रोटी और चावल के साथ सर्व करें, आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको बटर चिकन की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।